आज से जो है क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोगों से बस यही एक उम्मीद रहेगा, ठीक है, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसको, ठीक है, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगे रहें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, हमारा चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, हमारे पास जो टॉपिक है बायोलॉजी का, ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे आराम से सुनना है ध्यान से, ठीक है। सर ये पहले जो है ये चैप्टर क्या है हमारा, बायोलॉजी का है, तो पहले हम ये तो समझ ले सर कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है ना। तो सबको पता होगा, आप लोग 10th क्लास में हैं, तो बायो का मतलब सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है तो सीधा सीधा बोलेंगे कि सर बायो का मतलब क्या है, बायो का मतलब हो गया लाइफ, ठीक है, बायो का मतलब क्या हो गया लाइफ। और ये जो लॉजी शब्द है, ये जो लॉजी शब्द लोगस शब्द से मिला हुआ है, लोगस शब्द से निकला है, और इसका मतलब क्या होता है, स्टडी, सिंपल। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, सिंपल। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या हो गया हमारे पास, आ गया बात, स्टडी ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोलॉजी, ख़त्म। सिंपल में आप इतना बोल देंगे। और आप सबको पता है कि लाइफ किस में होता है, लाइफ प्लांट और प्लांट्स और किस में, एनिमल, इन्हीं दोनों में तो है लाइफ, ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या, बायोलॉजी के, ठीक है ना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस बस एक इंट्रोडक्शन था, हम लोग जो है ना अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर के लिए, ठीक है। तो चैप्टर हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इसमें क्या है कि सर लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पहले हमको ये बताइए कि सर इसका लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, ठीक है। ज़रा सोचो कि सर हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में, इस बॉडी को, इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी हमारा जो है, इतना एडवांस हम लोग ऑर्गेनिज्म है, इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी है, उसके अंदर में इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, लाइफ प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो समझने वाला बात यह है कि सर इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, एक ढंग से चलने के लिए सर बहुत सारे चीज़ों की जरूरत पड़ेगा, और वो सब चीज़ों में कौन कौन सा चीज़ आते हैं बच्चे बताओ, लाइफ प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि हमारे बॉडी के अंदर में वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस, सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारे शरीर के अंदर में हो रहे हैं, ताकि हमारा शरीर के अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर में लाइफ जो है मेंटेन रह सके। तो सर सिंपल सिंपल इसका आंसर क्या होगा कि सर लाइफ प्रोसेस का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि सर ऑल द बायोकेमिकल, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन, बायो मतलब लिविंग थिंग के अंदर में, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग जो हो रहा होता है इनसाइड द बॉडी को ही कहते हैं एक साथ, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, या फिर आप कह सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या हम समझे कि सर लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, कि हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके चलते हमारा बॉडी जो है, ठीक है, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है ना, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और याद रखेंगे, ठीक है, ये सब क्यों होते हैं, टू मेंटेन इसका अगर हम अलग से लिख देते हैं आपको, अगर इसका नीड क्या है, तो टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब सर कि हमारे शरीर के अंदर में जीवन को मेंटेन करने के लिए
हमारे शरीर के अंदर में क्या चाहिए, बायोकेमिकल रिएक्शन चाहिए होता है, और वो सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में हो रहा होता है, उन सभी को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। इसका मतलब समझ में आ गया सर कि हमको इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस का मतलब पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो ज़रा देखते हैं कि सर लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सा है, कुछ एग्जांपल दीजिए इसका। बिल्कुल, इसका एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जांपल पहला, आप लोग नाम सुने होंगे, फर्स्ट टॉपिक ही है न्यूट्रिशन। आप नाम सुने हैं न्यूट्रिशन, सेवन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या है, तो हम बोलेंगे कि सर न्यूट्रिशन इज एन एग्जांपल ऑफ लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है, तो लाइफ प्रोसेस का एक एग्जांपल है। सेकंड अगर हम बात करें, ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बाद आपका आता है, न्यूट्रिशन हो गया रेस्पिरेशन। नाम सुने हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हो गया। थर्ड नंबर है ट्रांसपोर्टेशन, आप ये भी नाम सुने होंगे ट्रांसपोर्टेशन। हमारे टेंथ क्लास के फर्स्ट चैप्टर में चार टॉपिक, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में चार बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। वो पहला है न्यूट्रिशन, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या हमारा है, लास्ट टॉपिक क्या है बताओ, एक्सक्रीशन। मतलब क्या सर, कि हम लोगों को इस लाइफ प्रोसेस में चार प्रोसेस पढ़ना है। पहला क्या है, न्यूट्रिशन, सेकंड नंबर क्या है रेस्पिरेशन, थर्ड नंबर क्या है ट्रांसपोर्टेशन, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, एक्सक्रीशन। यही हमारे पास टॉपिक है जो हमको इस चैप्टर में कवर करना है। तो हम लोग इसी को वन बाय वन पढ़ेंगे। उससे पहले फिर से एक बार आपको बताते हैं कि सर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब हम जरा इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे कि सर बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है। अभी हम आपको बता भी दिए कि हमारे शरीर के अंदर में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और ये बायोकेमिकल्स रिएक्शन को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एंड अब उसके बाद बताने के बाद मैं इसको आपको जो है ना वन बाय वन इसको डिस्कस करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।